सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू फिजिकम अकेडमी। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लाए आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन। आईआईटी जेम का पूरा कोर्स फॉर फिजिक्स एंड फॉर केमिस्ट्री हम 3 मंथ्स में करा रहे हैं आपके लिए। और मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ उसमें मैंने पीरियडिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसका पूरा सीरीज बना होगा, प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें से आप फिजिकम अकेडमी चैनल है यूट्यूब चैनल पे पूरा सारे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। और ऑलरेडी 3 टॉपिक्स, बायो इनऑर्गेनिक फिजिक और पीरियडिक प्रॉपर्टीज और एक और टॉपिक जो है और लिक्विड स्टेट, 3 टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। ये सब कुछ ये जो 3 महीने चलने वाला है ओनली ऑन द यूट्यूब चैनल फिजिकम अकेडमी, ठीक है? तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। उससे पहले देखिए कि यार वॉच टाइम का जो ये पूरा जो डेटा है उसके हिसाब से जो नॉन सब्सक्राइबर्स है वो 69.9% यानी तकरीबन 70% जो है नॉन सब्सक्राइबर्स यहाँ पे देख रहे हैं वीडियोस, ठीक है? तो यार जो नॉन सब्सक्राइबर्स है वो सब्सक्राइब कर दे जरा इस चैनल को। सारे वीडियोज जो है वो इसी पे आने वाले हैं, ठीक है? इसी चैनल पे ओनली ऑन फिजिकम अकेडमी, ठीक है? इसी चैनल पे यूट्यूब चैनल पे और बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं। तो फिर एकदम प्रॉपर वे से आप तैयारी करें ना, ठीक है? ऐसा बहुत ही अजीब सा लगता है यार, आपको तैयारी करनी भी है, आपको प्रिपरेशन भी करनी है और आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, तो आप थोड़ा सब्सक्राइब कर दें तो हमें भी क्या है कि सपोर्ट मिलेगा और हमें भी, और हम मोटिवेट होंगे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए, ठीक है? और कंटेंट तो वैसे भी हम अच्छा ही दे रहे हैं आपको, ठीक है? आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो आई होप मेरी आवाज और वीडियो सब क्लियर होगा और ये वाइट कलर भी आपको सही से दिख रहा होगा, ठीक है? तो चलिए फटाफट से हर वीडियो की तरह, हर लेक्चर की तरह आज भी रेडी हो जाइए पानी की बोतल के साथ और फटाफट से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ भी हमने पढ़ा था उसका थोड़ा रिविजन करते हैं और फिर हम अपने आगे की लेक्चर की ओर हम मूव करेंगे, ठीक है? तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से ये बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल रखा था। ऐसे बोहर का प्रॉपर एटॉमिक मॉडल तो अभी हमने पढ़ना बाकी है, यानी एक तरह से कहें तो हमने पढ़ ही लिया है, लेकिन फिर भी एक बार और उस पर थोड़ी अपने देख लेंगे उसके ओर, ठीक है? इसके अलावा हमने उसने जो कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस तरह से घूमता है कि वो एक फिक्स ऑर्बिट में होता है, ठीक है? ना कि वो इधर उधर, ऐसे नहीं, फिक्स उसका जो पाथ होता है ना वो एकदम फिक्स होता है। इसको हमने प्रूव किया था, एक एविडेंस हमने स्पेक्ट्रम से हमें उसका एविडेंस मिला था कि हाँ जब भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते थे सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती थी तब वो हायर स्टेट में जाना चाहता था, फिर वहां से जब वैसे भी वहां वो स्टेबल है नहीं तो वहां से जब वो वापस आता था तो उतनी ही एनर्जी को वो रिलीज कर देता था। तो उसके करस्पॉन्डिंग जीव जो फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किए और जो उसने रिलीज किए, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशंस की जो कलर जो बन रहा था, ठीक है, वो जब उसने एब्जॉर्ब किए तब वो कलर डार्क हो जा रहा था, यानी वहां पे कोई उस कलर की लाइट नहीं आ रही थी, और जब उसने एमिट किए तो वो डार्क सरफेस पे बस उसी कलर की लाइट आ रही थी, ठीक है? तो हमने ये एविडेंस भी हमें मिल गया था, ठीक है? अब थोड़ा बहुत इसके अलावा हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी पढ़ा था, किस तरह से प्लैंक्स कॉन्स्टेंट प्लैंक्स क्वांटम थियोरी जो है इन्होंने सर ने जो लाइट है उसका उसका पार्टिकल नेचर उन्होंने बताया था, और इस पार्टिकल नेचर से ये हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हमें समझ में आ रहा था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर उसको दे दी जाए तभी वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा। तब तक आप कितने भी चाहे इंटेंसिटी बढ़ा ले, लेकिन अगर एनर्जी सफिशिएंट नहीं है तो आप चाहे कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दे उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है? तो आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। आज बड़ा है इंटरेस्टिंग टॉपिक बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो अब जरा इसको गौर से हम यहाँ पे देखिएगा और बहुत ही फुल कंसंट्रेशन के साथ इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको किस तरह से बहुत ही दिलचस्प बातें इसमें जो है हम सीखने वाले हैं आज, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ। द
देखिए, सबसे पहले बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। जो बोर्स एटॉमिक मॉडल हम ऑलमोस्ट तो सीख चुके हैं, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम फटाफट से उसको गो थ्रू हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो बोर्स एटॉमिक मॉडल है ना, ये जो है ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जैसे कि उन्होंने बताया था कि सारा मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में सारा मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। और ये रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है। तो उसके बाद जो सेकंड जो था वो प्लैंक्स क्वांटम थियरी, यानी कि बोहर जो थे ना वो प्लैंक्स क्वांटम जो थियरी जो थी, यानी कि उसका पार्टिकल नेचर, उसको कंसिडर करके चल रहे थे। और तीसरा नंबर जो है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो एविडेंस जो था, ठीक है। अब जो ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो मिला था हमें, इसके ऊपर से ही बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, ठीक है। तो इसी को हम एविडेंस भी मान लेते हैं कि इसी वजह से उनका जो मॉडल जो था वो सही माना गया था, ठीक है। इसको इनका एविडेंस भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो तीन जो मॉडल जो थे, इन पे इनका मॉडल डिपेंड था, ठीक है। अब सबसे पहले जो है, पहला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिवॉल्व इन रैंडम मोशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कोई भी रैंडम मोशन में मूव नहीं कर रहा भाई, उसका जो है वो पाथ एकदम फिक्स हो रहा हो रखा है। वो फिक्स जो पाथ है वो स्टेशनरी स्टेट है, यानी कि अगर न्यूक्लियस यहाँ पे है तो वो इसी पाथ में उसके इर्द गिर्द घूमने वाला है। ऐसा नहीं कि कभी नजदीक, कभी इतना दूर, कभी कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, ऐसा ऐसा कोई पाथ उसका नहीं होने वाला है, ठीक है। वो एक फिक्स पाथ है कि भाई इसी पाथ में वो जो है वो रोटेट करेगा, कभी इतना दूर चला गया, कभी इतना पास आ गया, ठीक है। कभी ऐसे नहीं, ऐसा अगर होगा ना तो फिर वो कब की अपनी एनर्जी रिलीज कर करके उसके अंदर कोलैप्स हो गया होगा, यानी उसका जो पाथ जो है ना वो स्टेशनरी स्टेट है, उसका पाथ फिक्स है, स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसलिए उस ऑर्बिट में वो स्टेबल है। इसलिए ना तो उसमें अगर वो अब वो रोटेट कर रहा है तो ना तो उसको अब एनर्जी रिलीज करने की जरूरत है और ना ही उसको एनर्जी गेन करने की जरूरत है। आई होप आप ये पहला पॉइंट जो बोहर ने बताया था वो समझ गए होंगे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंडली उसने क्या बताया था कि इट हैज फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है, बट व्हेन इट गेट सफिशिएंट एनर्जी देन इट मूव्स टू हायर एनर्जी स्टेट and will emit the same energy on returning to the ground state. मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है हमारा, ये उसका पहला ऑर्बिट है, ये उसका दूसरा ऑर्बिट है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहा है। अब ये जो एनर्जी गैप है इन दोनों ऑर्बिट के बीच में, ठीक है, अगर उसको रेडिएशंस मिल रही है और उन रेडिएशंस में उतनी एनर्जी के फोटॉन्स भी हैं जो वो एब्जॉर्ब करके इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट तक जा सकता है, बीच में नहीं सीधा इस ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, तब वो उतना एनर्जी का रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा और वो हायर पाथ में चला जाएगा, लेकिन वो वहां पे स्टेबल तो नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए उतना ही एनर्जी का रेडिएशन वो वापिस से एमिट करके वापिस से अपने ओरिजिनल पाथ में आ जाएगा, यानी वो एक्साइट कर सकता है अगर उसको जितना एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी मिल जाए तो, ठीक है। बट इट इज फिक्स्ड फ्रॉम दिस दैट आइदर इट विल रिवॉल्व इन फर्स्ट ऑर्बिट और इट विल रिवॉल्व इन एक्साइटेड ऑर्बिट बट विल नॉट परफॉर्म रैंडम मोशन, यानी कि अगर वो यहाँ पे रोटेट यहाँ पे वो इर्द गिर्द घूमे या फिर यहाँ पे घूमे, ठीक है, लेकिन ये जो दोनों पाथ है उसके फिक्स है, ये वाला तो यही ऑर्बिट, ठीक है, ये वाला तो यही ऑर्बिट, ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं भी उसका मन किया और कहीं भी घूम रहा है, ठीक है। इससे ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि जब वो उसको सफिशिएंट एनर्जी का रेडिएशंस मिलता है तभी वो एक्साइट करता है, ठीक है, और फिर वो रिटर्न उसने ही रेडिएशंस के एनर्जी को वो वापस देके फिर रिटर्न आ जाता है, यानी कहीं भी वो इर्द गिर्द कहीं भी रैंडम मोशन नहीं कर रहा है, वो एक्साइटेड स्टेट में भी जा रहा है तो फिक्स पाथ में घूम रहा है अपने ग्राउंड स्टेट में, यानी कि ओरिजिनल स्टेबल स्टेट में रहा है फिर भी फिक्स पाथ में घूम रहा है, ठीक है। आई होप ये सेकेंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा।
फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। बस फर्स्ट पॉइंट में ये समझा रहा है कि रैंडम मोशन नहीं कर रहा है, सेकंड पॉइंट में ये समझा रहा है कि एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है लेकिन वहां पे उसका स्टेट जो है वो फिक्स है, ठीक है। अब जो है थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो अब ये बताना चाह रहा है कि देख लीजिए, मानिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक सेकेंड, ठीक है, देखिए सेकेंड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट जो है वो यहाँ पे कुछ ये कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा सा न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द ये पहला शेल है, इसके इर्द गिर्द ये दूसरा शेल है, इसके आसपास इसके अराउंड ये तीसरा शेल है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, एनर्जी किन की होती है, इन सिस्टम की होती है एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जितना ही न्यूक्लियस के पास रहेंगे ना, उतनी ही वो एनर्जी उस सिस्टम में कम होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो ऑर्बिट है ना, इस ऑर्बिट में रहे इलेक्ट्रॉन्स के पास मान लीजिए कि इवन एनर्जी रही होगी, इस ऑर्बिट में रहे इलेक्ट्रॉन्स के पास रही होगी E2 एनर्जी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो ऑर्बिट है ना, इनकी एनर्जी फिक्स है, ठीक है। यानी इस ऑर्बिट, इन ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, इससे मतलब है कि इन ऑर्बिट में रहे इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होगी, ठीक है। अब वो एनर्जी कौन सी होगी, स्टेबल एनर्जी होगी, माइनस में एनर्जी होगी, ठीक है। अब वो हम आगे देखते हैं किस तरह से, क्योंकि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो कितनी ज्यादा एनर्जी से वो स्टेबल हो रहा है, ठीक है, और जितना दूर जा रहा है वो कितनी कम एनर्जी से स्टेबल होता जा रहा है, ठीक है, यही बात है। तो अब जरा यहाँ पे आप सोचिए कि अगर इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे रहा है तो इसको E2 - E1 जितनी एनर्जी ही तो चाहिए, ठीक है, इस स्टेट से इस स्टेट में जाने के लिए, ठीक है। अगर इसको E2 - E1 = Δe जितनी एनर्जी अगर मिल गई तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यानी आप ये भी समझ सकते हैं कि उसका एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में कितना डिफरेंस है एनर्जी लेवल का। वो अगर हमें जानना है तो कैसे पता चलेगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू Hcλ, और Hcλ इज इक्वल्स टू hμ भी कह सकते हैं, ठीक है, इसे, यानी एनर्जी इज इक्वल्स टू hμ, हमें ये वाला फॉर्मूला पता है। तो डेल्टा ई इक्वल्स टू एच, इसको इस तरह से हम कह सकते हैं कि H into hμ, ठीक है, इसको भी ये जो एनर्जी होगी, ठीक है, बीच वाली जो भी एनर्जी होगी वो इक्वल्स टू उसके रेडिएशन होंगे कुछ इक्वल्स टू, ठीक है। यानी कि मान लीजिए, अब जरा सोचिए, लॉजिकली समझिए एक बात को, ये जो एनर्जी है, ठीक है, इसका ग्राउंड स्टेट है, ये जो एनर्जी उसका एक्साइटेड स्टेट है। अब इन एनर्जी स्टेट में से, इस एनर्जी स्टेट में अगर उसको जाना है तो कुछ एनर्जी उसको चाहिए ही। अब इतनी एनर्जी उसको चाहिए, अब इतनी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो कितनी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन हमें चाहिए होंगे वो हमें पता चल जाएगा, Δe/h। तो इस फॉर्मूला से हमें ये जो एनर्जी, जो इतनी एनर्जी चाहिए, उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस हम उस पर डालेंगे, कौन सी फ्रीक्वेंसी के वो रेडिएशंस जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो जिस डेल्टा ई के करस्पॉन्डिंग जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उतने फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसमें डेल्टा ई जितनी एनर्जी होने वाली है, और वो एनर्जी लेके वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला, इसको कहते हैं रिक्वायर्ड एनर्जी, इस ये जो है ना, ये उसकी रिक्वायर्ड एनर्जी है, और इतनी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो भी रेडिएशन उस पर पड़ेंगे, यानी इतनी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन अगर उस पर पड़ेंगे तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और हायर स्टेट में चला जाएगा, और वो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब कि जो बाकी के रेडिएशन चले जाएंगे, ठीक है, बाकी के रेडिएशन आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे बीच में इतने रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किए हैं, तो उतनी जगह यहाँ पे खाली रह जाने वाली है, इतनी जगह जो है वो स्पेस में डार्क रह जाएगी।
ठीक है, क्योंकि उतने रेडिएशंस वहां पे आने वाले थे जो इसने रिक्वायर्ड एनर्जी थी उस रेडिएशंस में, तो उसने एब्जॉर्ब कर ली। अब आपको आई होप ये बात पता लग गई होगी इस फॉर्मूला से कि जो एनर्जी है, फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि जो है कोई भी रेडिएशन के पास उसकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर से उसकी एनर्जी डिपेंड करती है। तो इतनी अगर जो एनर्जी के रेडिएशन से चाहिए तो उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन आ सकते हैं, उतनी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन हम उसमें डालेंगे और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा। आई होप आपको ये सब बात अच्छी लग रही होगी, मजा आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा ये देखना, इसी पॉइंट से जो बोहर का लिमिटेशन भी आएगा, लेकिन ये बहुत दिलचस्प बात होने वाली है। जरा इसको ना ध्यान से गौर से जरा देखिएगा, चौथा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी पॉइंट है, ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझना। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्यों वो इसी तरह से एक ऑर्बिट में ही घूमते हैं, क्यों वो रैंडम मोशन नहीं करते हैं, ठीक है। अब बहुत दिलचस्प बात होने वाली है, जरा इस पर गौर से ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा। ये पॉइंट में ये बात बताई गई है, ठीक है, देखिए क्या है बात कि इलेक्ट्रॉन आर, नोट्स में फटाफट से इस बात को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात होने वाली है, आर अलाउड टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन द डेफिनेट पाथ वेयर value of angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi। जितनों को ये बात पता है well and good, जितनों को ये बात नहीं पता है बहुत ही जबरदस्त बात होने वाली है, जरा इसको ना ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल को समझाते वक्त उसने ये बात बताई, क्या बात बताई उसने कि मैं बता तो रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन उसके फिक्स पाथ में, डेफिनेट पाथ में वो घूम रहे हैं, पर वो फिक्स पाथ क्या है, तो फिक्स पाथ वो वाला फिक्स पाथ है जिसमें उस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, उसका जो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई होगा, वो इलेक्ट्रॉन उसी पाथ में घूमेगा। ये फिक्स पाथ उसने अपने मॉडल में बताई है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया वाली बात है। हम उसका एविडेंस भी दे दिया है कि वो फिक्स पाथ में घूम रहा है, लेकिन क्यों, तो उसका उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में ये बात क्लियरली मेंशन की है, ठीक है। अब इसका जो है वो फॉर्मूला जो बनता है वो कुछ ऐसे है कि एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम उसका इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई होगा, उसी वो ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है, यानी n इक्वल्स टू 1, 2, 3 कुछ भी होगा। अभी n क्या है, ये उसका शेल है, शेल ये उसका ऑर्बिट है, कौन सा, जिसमें वो घूमेगा। उसने क्लियरली बताया कि इलेक्ट्रॉन आर अलाउड टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन द डेफिनेट पाथ, कौन सा डेफिनेट पाथ, वेयर वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसका एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, h by 2 pi, यानी अगर वो h by equals to h by 2 pi है तो n का वैल्यू 1, यानी कि वो छोटे वाले शेल, पहले शेल में उसको इंटीग्रल मल्टीपल, यानी जिस शेल में वो घूमने वाला है उसी शेल के बारे में उसने बताया है कि ये वाले शेल में वो घूमेगा तो उसका जो इंटीग्रल मल्टीपल यानी उसका जो वैल्यू हो इतना आएगा,
ठीक है, तो उसने क्लियरली ये मेंशन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल बोला है, ठीक है, यानी ये जो वैल्यू होने वाली है शेयर की वैल्यू होने वाली है, ये 1.5 3.5 ऐसी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए बहुत दिलचस्प बात इसके आगे यहाँ पे शुरू होने वाली है। और एक बात एक और है यहाँ से जरा देखिए, इसका मतलब कि रेडियस जो है उसने उस ऑर्बिट की फिक्स कर दी है, उस ऑर्बिट की जो रेडियस है वो उसने फिक्स बता दी है यहाँ से। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे, यानी कि उसका एनर्जी स्टेट, अलाउड एनर्जी स्टेट या ऑर्बिट बोले जो कुछ भी बोलना है, वो एक फिक्स डिस्टेंस पे होगा न्यूक्लियस से, जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो फिक्स, वो उसका h बाई 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। यानी अगर n का वैल्यू 1 है तो उसका वैल्यू कम आएगा h एंगुलर मोमेंटम का, यानी वो जो है छोटे पाथ में। फिर अगर 2h बाई 2 पाई होगा तो उसका वैल्यू बढ़ गया तो वो बड़े पाथ में, लेकिन वो उतने ही पाथ में रहने वाला है जिसमें उसका ऐसा नहीं है कि n का वैल्यू अगर 1.5 रख दिया तो भी हमें कुछ वैल्यू तो मिलने वाला है, ठीक है, उसका एंगुलर मोमेंटम का, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो 1 और 2 के बीच में जो भी वैल्यूज लाई करती है उसमें करस्पॉन्डिंग उसका जो भी एंगुलर मोमेंटम है उसमें वो लाई नहीं करेगा, वो ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई में तो उसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम आएगा जिस पाथ में, उसी पाथ में वो उसके इर्द गिर्द घूमेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो भी पता चलने वाला है, जरा देखिए। इसी में उसका लिमिटेशन आएगा। और बहुत ही बढ़िया वाली बात, जस्ट एक सेकेंड ना यार, जस्ट अ मिनट। सॉरी फॉर यार इनकन्वीनियंस के लिए माफी चाहता हूँ मैं आप लोगों से, बट आई होप आप सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन इससे पहले अब यहाँ पे जो ये बात हमें पता चली है, अब जो बोहर ने उसका रेडियस अब जान लिया था फिक्स पाथ का, अब ठीक है, अब अगर उसका जैसे उसका n चेंज होगा वैसे उसका रेडियस चेंज होने वाला है। ठीक है, अगर उसका n कम होगा यानी उसका शेल कम होगा, छोटा होगा तो छोटा रेडियस, बड़ा शेल होगा तो बड़ा रेडियस, तो उसका रेडियस जो है वो होने वाला है उसके शेल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, रेडियस r नॉट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर a, और ये जो a है ए का वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये उसका इसके क्या है, बोर ने जो मॉडल दे दिया ना, फिर उसके उसके ऊपर से हमने उसका रेडियस भी जो है डिराइव करने में आसानी होगी, उसका रेडियस का भी फॉर्मूला हमने निकाल दिया, तो वो सब थोड़े फॉर्मूला में लिख देता हूँ, फिर यही बात को हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, बहुत ही बढ़िया सी बात होने वाली है। ठीक है, हम देखते हैं जरा ये कुछ फॉर्मूला से उसको जरा देख लेते हैं हम। ठीक है, अब देखे जरा कि अच्छा ये a का वैल्यू पता है क्या है, ये a का जो वैल्यू है ना वो फर्स्ट शेल, यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 छोड़ दो तो r नॉट इक्वल्स टू a हो जाएगा, यानी फर्स्ट शेल में उसका रेडियस इतना रहा होगा, ये बात भी इससे पता चल गई। ठीक है, और जैसे ही उसका शेल बढ़ता है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद उसका एनर्जी के बारे में भी एक फॉर्मूला उन्होंने दिया है कि हम बोलते हैं कि छोटा शेल होगा जितना करीब होगा एनर्जी उसकी उतनी ही जो है वो ज्यादा स्टेबल होता जाएगा, एनर्जी उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब जरा फॉर्मूलाज जो है उनके बारे में भी जरा देख लेते हैं, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिये फॉर्मूला एनर्जी का, इन्होंने एनर्जी का फॉर्मूला ये बताया है कि एनर्जी इन एनी शेल इज इक्वल्स टू राइट बैक कॉन्स्टेंट 1/n². ठीक है, इसको आप जो है आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जरा यह सोचिए,
ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होने वाला है। यहाँ पे राइट पर कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होने वाला है वो है 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। यानी ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है ये जो है वो जूल में आने वाला है। अब देखिए माइनस साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी की बात चल रही है भाई। न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना ज्यादा का जितना करीब होगा, जितना वो करीब होगा उतना एन छोटा होगा, उसकी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी किस में, नेगेटिव में ज्यादा होगी, यानी उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होता जाएगा। नेगेटिव में अगर एनर्जी ज्यादा है यानी उसका मतलब है कि एनर्जी बहुत कम है उसकी। जितना करीब होगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा, और अट्रैक्शन जितना ज्यादा उतनी एनर्जी उसकी कम। वो नेगेटिव साइन जो है वो यही बता रही है उसका कि एनर्जी उतना कम है इसका। अब इसका एनर्जी भी जिस शेल में वो रहा होगा इलेक्ट्रॉन, उस शेल में वो कितनी एनर्जी से वो स्टेबल होगा, उसका भी फॉर्मूला इन्होंने बोहर ने उसके मॉडल से डिराइव करके दे दिया है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमें सारी की सारी केमिस्ट्री में हमें काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। अब एनर्जी जो है उसका और भी जरा देख लेते हैं कि अगर इस एनर्जी को हम लिखना चाहे तो जूल में से हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो -13.6 इनटू 1/n² होगा। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए होने वाला है, ये फॉर्मूला जो है ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए होगा, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए भी नहीं। ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए होने वाला है। अब जनरल फॉर्मूला इसका क्या होगा, E = -13.6 × Z² / n², ये वाला फॉर्मूला किसी भी एटम में किसी भी जगह आप लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। किसी भी एटम में ये फॉर्मूला ये वाला जो होने वाला है, यानी कि किसी भी एटम से मेरा मतलब कहने का बस इतना है कि जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस टू, बेरिलियम प्लस थ्री, ये सारों में न्यूक्लियस में अंदर जो चार्ज रहा है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी लेकिन इनका इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो। ठीक है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला चार्ज है वो एक ही इलेक्ट्रॉन पे है। अब आप जरा सोचे कि यहाँ पे जेड क्यों दिया गया। ठीक है, क्योंकि इसमें इनका न्यूक्लियस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका जेड फॉर्मूला में मेंशन करना जरूरी था। जितना ज्यादा न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा उतना उस पर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा उतना जेड का वैल्यू बढ़ेगा, उतना एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा, और नेगेटिव की साइन की वजह से वो ये कहना चाह रहा है कि उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक दो फॉर्मूला और है जो हम जरा देख लेते हैं, उसमें से रेडियस का भी एक फॉर्मूला यही है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो आप पढ़ ही चुके हैं, तो आपको पता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो सेम नहीं होता। इसीलिए अगर हम इसको जेड इफेक्टिव से अगर बदल देंगे, इसको अगर हम जेड इफेक्टिव से बदल देंगे, जेड इफेक्टिव का स्क्वायर कर देंगे, तो ये इसको हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब फॉर एनी एन शेल रेडियस के लिए हमने ये देखा था 52.9 × n². ठीक है, इसको हम पाइकोमीटर में लिखा है, लास्ट टाइम जो था वो एंगस्ट्रॉम में था, इसको भी पाइकोमीटर में लिखा है। जो भी यूनिट आप चाहे, लेकिन यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अब अगर फॉर एनी न्यूक्लियस सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, जो एनी न्यूक्लियस के अगले अगर हम इसको फॉर्मूला लगाएं तो जेड हो जाएगा। ठीक है, बस डिवाइडेड बाय जेड कर देना है, और फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जेड इफेक्टिव कर देना है, बस उतना सा फर्क है। अब ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सब क्या मान रहा है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको पढ़ने वाले हैं बॉन्डिंग में कि क्यों जेड
जेड इफेक्टिव का हमें समझ में आ गया है कि क्यों जेड इफेक्टिव, क्योंकि जो है जेड इफेक्टिव जो है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चार्ज इक्वल नहीं हो रहा है। ये बात तो समझ में आ गई है हम लोगों के, ठीक है। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जब आती है तो वो शेल में क्यों चेंजेस आ जाते हैं कि अब वो बात हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा। और वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला गिवन है, वी नॉट जेड बाय एन, ठीक है। और वी नॉट जो होने वाला है वो है 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, यानी वी नॉट यानी उसके फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के लिए जो है वेलोसिटी है वो वी नॉट है। और उसके बाद आप जो भी न्यूक्लियस के लिए और जो भी आपको पता है जेड की जगह जेड इफेक्टिव बदल दोगे, सारी बातें कॉमन सी होगी, आपको पता चल गया होगा ये सब बातों का, ठीक है। आई होप आपकी सारी बातें समझ में आ गई हो। अब जरा बढ़ते आगे, जरा आगे देखिए। नाउ यहां तक तो हो गया, बातें हो गई सारी, ठीक। अब जो बात आने वाली है लिमिटेशन की बात, क्योंकि एट द एंड जो है हम अब धीरे धीरे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम एंटर करते जा रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम एंटर करते जा रहे हैं। यानी जो क्वांटम मैकेनिक्स है वही इसका एग्जैक्ट जो बातें सारी होंगी पोजीशन के साथ जो बताएगा वो होगा क्वांटम मैकेनिक्स, वही हमें बताने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका भी कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन रहा, इतनी सारी बातें उसने बता दी, अब कुछ ना कुछ तो उसमें के मॉडल में कमी रह ही गई होगी, तभी तो क्वांटम मैकेनिक्स आया है, ठीक है। अब उसमें लिमिटेशन क्या रहा होगा वो जरा हम देख लेते हैं, एक नजर उसकी तरफ भी हम घुमाते चलते हैं कि बोहर ने बता दू या ना, थोड़ी देर बाद बताता हूं, एक काम करता हूं, पहले हम एक बात सीख लेते हैं उसके बाद हम उसका लिमिटेशन पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो है इसका ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर इसको जरा सीख लेते हैं, फिर उसके लिमिटेशन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। जरा देखिए, जब ज़ीमैन इफेक्ट और स्टैक इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट है, आप ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं इनको। अब जब इनको लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, बोहर ने जो बताया था, ठीक है, बोहर ने जो बताया था कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो है, पहले ड्यूअल मैटर ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, ड्यूअल बिहेवियर पढ़ लेते हैं ऑफ मैटर का। डी ब्रोगली का दिया हुआ ये ड्यूअल बिहेवियर है, डी ब्रोगले इनका दिया हुआ है जो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर है, इसको हम पहले पढ़ लेते, फिर एक प्रॉपर एक ऑर्डर में मैं आपको पूरी बातें समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोकस कीजिए अपना, ठीक है। तो हुआ ये कि डी ब्रोगले जो थे उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि कोई भी पार्टिकल अगर हो जिसके पास मोमेंटम हो, यानी कुछ मास होगा तो मोमेंटम भी होगा, तब वो पार्टिकल होगा। उसके पास अगर कोई मोमेंटम अगर होगा उसके पास, यानी अगर वो कुछ वेलोसिटी से अगर वो जा रहा है, उसके पास अगर कुछ मोमेंटम है, तो वो डेफिनेटली वो रेडिएशंस, कुछ वेवलेंथ के वो रेडिएशंस एमिट करने वाला है, यानी वो एमिट कर रहा है। अब वो रेडिएशंस कौन सी वेवलेंथ की होगी, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया H by P, वो वेवलेंथ जो होगी वो इस ये वाली वेवलेंथ के रेडिएशंस वो एमिट करेगा। अब जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ही वो एनर्जी उस रेडिएशंस के कम होने वाली है, यानी कि जितना P जो है वो ज्यादा हो कम होगा उतना वेवलेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। जितना P कम होगा उतना ही उसका वेवलेंथ जो होगा उतनी ही उसकी वेवलेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी, उतनी उसकी एनर्जी जो होने वाली है वो कम होने वाली है। अब मोमेंटम जो है ये तो हमें पता ही है H by mv, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
अब एक बात और है, इसको हम अगर काइनेटिक एनर्जी में घुमाना चाहे तो घुमा सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्बडा, ठीक है, एच सी बाई लैम्बडा होता है। और एच सी बाई लैम्बडा जो है ये भी हमें ये पता है एक बात और, कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है, और एम वी तो हमें पता ही है, ठीक है। तो इसको हम जरा इस तरह से कर लेते हैं कि 1/2 m, m से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा। इसको जरा मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो होने वाली है वो इक्वल्स टू होगी उसकी, ये p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर बाय 2 m हो जाएगा, ये होगी उसकी एनर्जी, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको जरा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 m e, यानी उसका मोमेंटम इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको जरा हम ऐसे भी अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाय एम वी इज इक्वल्स टू एच बाय अंडर रूट ऑफ 2 m e, यानी एनर्जी और लैम्बडा का कुछ इस तरह से रिलेशन होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब जरा इसी में जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन, ये कौन सी वेवलेंथ के बारे में बताता है कि कोई भी पार्टिकल जिस जो मोमेंटम उस पर रखता है, ठीक है, और ये एनर्जी जो होने वाली है ना, ये काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। ये बात जरा अपने दिमाग में जरा बिठा लेना, ये एनर्जी डिफरेंट है, ठीक है। ये जो एनर्जी वो कैरी कर रहा है वो वाली एनर्जी है, एच सी बाई लैम्बडा रेडिएशन जो एनर्जी कैरी कर रहे हैं वो वाली है। ये दोनों फॉर्मूला में कंफ्यूज मत हो जाना। और ये जो है ना, ये कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसके पास है, ठीक है, वो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और वो कितनी उसकी वो एमिट करने वाला रेडिएशन जो होंगे वो कौन सी वेवलेंथ के होंगे वो बता रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब जरा देखते हैं कि हाँ, हम क्या सुन रहे थे इसके बारे में, क्या देख रहे थे, क्या समझ रहे थे कि ये जो इक्वेशन है बस ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो है उन्हीं पे ये एप्लीकेबल है। ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट्स के पास ये जो मोमेंटम जो होगा वो बहुत ही जो है उस तरह से, मतलब यानी कि इनके पास जो वेवलेंथ जो होने वाली है ना वो बहुत ही ज्यादा वेवलेंथ होगी, बहुत ही बड़ी वैल्यू वाली वेवलेंथ होगी, जो ऑलमोस्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आता, उसका वेव नेचर एग्जिस्टेंस में नहीं आता। यानी उसका जो एट द एंड ड्यूअल नेचर, वो इस तरह से वो कहना चाह रहा था कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें वेवलेंथ काफी 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 कम होती है, इस वजह से वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वो वेव नेचर भी शो करने लगते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग वो रेडिएशंस भी एमिट करने लगते हैं। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें भी वेवलेंथ होती है, लेकिन उनकी जो वेवलेंथ होती है वो इतनी ज्यादा उनकी वेवलेंथ होती है कि उसका वेव नेचर दूर दूर तक जो है एग्जिस्टेंस में नहीं आता। इसलिए इसको सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए इसको कंसिडर हम कर सकते हैं। इसके बाद कमाल बात होने वाली है भाई, बहुत ही कमाल बात होने वाली है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो यहीं से इसके बाद अब एग्जिस्टेंस में आने वाला है। लेकिन इससे पहले हम जरा बोहर की ओर चलते हैं, और बोहर ने जो अपने लिमिटेशन जो बताया था, बोहर का लिमिटेशन बस इतना था कि बोहर का जो रेडिएशंस, उसने जो सारा एविडेंस जो दिया कि स्पेक्ट्रम में, अब वो जो स्पेक्ट्रम अगर जो वो आ रहा था ना उसका, जो मान लीजिए कि उसका सर्टेन जो भी हम कोई भी गैस के लिए है, अब वो लाइट पास करते हैं वो एब्जॉर्ब करता है, और जो भी गैस है या फिर कोई भी एलिमेंट है वो सर्टेन एनर्जी की, वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है और रिजल्टेंट स्पेक्ट्रम देता है,
यानी हर एक एलिमेंट के लिए अपना अलग अलग स्पेक्ट्रम है। तो उसने स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी ना उसको स्प्लिट होते देखी उन्होंने, वो स्प्लिट हो रही थी। ठीक है, ज़ीमेन इफेक्ट और स्टैक इफेक्ट अगर आप पढ़ना चाहें तो कहीं भी मिल जाएगा, पढ़ लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यानी यही उसका लिमिटेशन एक आ रहा था कि लिमिटेशन बोहर का ये था जो क्वांटम मैकेनिक्स ने दूर किया, कि बोहर ने शेल के बारे में बताया सिर्फ। अब उस जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो मिल रही थी वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वो आगे भी स्प्लिट हो रही थी, इसका मतलब शेल के अंदर भी और कुछ है जो हम पीरियडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं थोड़ा, वहां पे हमने क्वांटम पढ़ा था तो हमें पता है कि क्वांटम नंबर होते हैं, वो सब शेल के बारे में बताते हैं, शेल के बारे में बताते हैं, फिर जो है ऐसे मुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सारे क्वांटम नंबर हमने पढ़े थे तब। ठीक है, अब ये जो उसके अंदर की जो कमी है कि जो उसने सब शेल के बारे में ऑर्बिटल्स के बारे में नहीं बताया था वो हमें बता देगा क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये उसका लिमिटेशन था जो वो स्पेक्ट्रल लाइंस जो मिल रही थी, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो स्पेक्ट्रल लाइंस आगे और भी स्प्लिट कर रही थी। अब ये जो स्प्लिटिंग है यानी उसके अंदर भी उन्हें ही पता चला कि उसके शेल के बारे में तो उसने बता दिया था कि भाई ये वाला शेल होगा, ठीक है, लेकिन शेल के अंदर सब शेल भी रहे हैं, ऑर्बिटल्स भी रहे हैं, वो इफेक्ट की वजह से उन्हें ये पढ़ने मिला कि भाई शेल के अंदर भी कुछ रहा होगा जिसके बारे में हमें बोहर ने नहीं बताया था, और वो आगे जाके जो है वो हमें क्वांटम मैकेनिक्स ने आगे इसको क्लियर कर दिया और उन्होंने इसको बता दिया, लिमिटेशन उसका दूर कर दिया। अब जरा एक बात और समझते हैं, ठीक है, जरा एक सेकंड ना, वेरी 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 सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जस्ट एक एक सेकंड में, जस्ट एक ही 10 सेकंड में मैं आया बस। So, very sorry for inconvenience. ठीक है, अब जरा इतनी बातें तो हो गई, हमने देख लिया कि वो जो उसका जो लिमिटेशन जो था वो बोहर का वो क्वांटम मैकेनिक्स ने जरा आके उसको दूर कर दिया, वो हम थोड़ा आगे जाके वो चीज भी हम इसकी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब जरा आते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स जो जिसमें से हम पढ़ेंगे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये शुरू कहाँ से हुई भाई, ये शुरू हुई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, ये वाली बातें जो है ये सब शुरू शुरू हो गई। अब जरा एक और लिमिटेशन जो था वो ये था बोहर का कि ड्यूअल नेचर ऑफ पार्ट जो मैटर का ड्यूअल नेचर जो डी ब्रोगली ने सर ने बताया जो, ठीक है, अब जो बोहर ने जो बताया था वो बस उसका पार्टिकल नेचर कंसीडर करके उसने बताया था, सारा का सारा जो था उसने वेव नेचर को कंसीडर नहीं किया था। लेकिन लेकिन अब यहां से बहुत दिलचस्प बात आपको समझने मिलेगी, लेकिन फिर भी उसके बताए हुए रिजल्ट्स जो थे वो एकदम सही थे, उसने सिर्फ बताया सिर्फ पार्टिकल नेचर का, लेकिन उसके बताए गए सारे रिजल्ट जो थे वो वेव नेचर को भी जो थे वो सही कर रहे थे, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके बताए गए रिजल्ट्स जो है वो वेव नेचर को भी उसको भी लगते हैं। उसको तो उसने सिर्फ जो रिजल्ट्स जो थे उसको उसने उस पर स्टडी किया और उसने अपने जो रिजल्ट्स दिए फॉर्मूलाज दिए सारे, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसने जितनी भी बातें बताई है वो सच है, लेकिन उसने वेव नेचर को भी ये बात सच कर रही है वो उसको नहीं पता था। ठीक है, डी ब्रोगली ने जैसे कि बताया कि वो वेव नेचर भी एग्जिस्ट करते हैं, और इसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने भी आगे अपना कुछ रोल दिया,
ठीक है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं इसको और हम अच्छे से जरा सीखेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा पहले हम इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जहां से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ सबसे क्वांटम मैकेनिक्स की जो वेव नेचर, उसका जो है वो बताता है, वेव नेचर के ऊपर वो सारी कहानियां रचता है, ठीक है। जो क्वांटम मैकेनिक्स था वो वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है, उसकी शुरुआत हो गई थी। उसके पहले हम है यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं इसका, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है कि, और भी मैं क्लियर कर दूंगा, जरा पहले इस प्रिंसिपल को पढ़ लेते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बताया। अब देखिए जरा गौर से जरा सुनिएगा, ठीक है। इन्होंने ना वेव नेचर को भी जरा उन्होंने बताया था किस तरह से वेव नेचर, ठीक है। जरा सोचिएगा आप एकदम ध्यान से, गौर से, फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ठीक है। जरा सोचिए इन्होंने क्या बताया था कि एक फॉर्मूला दिया हुआ है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी is always greater than or equals to h by 4 pi। यहाँ पे डेल्टा एक्स जो होने वाला है वो होगा अनसर्टेनिटी। बस यहाँ पे गलतियाँ कर बैठते हैं, यहाँ पे गलतियाँ कर बैठते हैं। जरा देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको समझिएगा, ठीक है। डेल्टा एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, और डेल्टा पी जो है वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, ठीक है। इस बात को जरा और डिटेल में हम समझते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी क्यों? अनसर्टेनिटी का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि जो सर्टेन नहीं है, ठीक है। कि यानी वो ये कहना चाह रहा है कि उसमें काफी वेरिएशंस आ रहे हैं। अब देखिए जरा ध्यान से समझिए, वो कहना ये चाह रहे हैं कि कोई भी जो माइक्रोस्कोपी, ये जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इसकी पोजीशन और इसका मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर हम पोजीशन निकालने गए तो मोमेंटम में काफी अनसर्टेनिटी आ जाएगी, अगर हम मोमेंटम निकालने गए हैं तो पोजीशन में काफी अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। इसकी हम बहुत ही ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जो कहना चाह रहे हैं वो, इसका मतलब ये है, इसको हम बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपको काफी जगह पे, आप यूट्यूब वगैरह में भी सर्च करोगे, बहुत ही अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया है जरा देखिए ध्यान से, ये एक जो है स्लिट है, ये स्लिट है, यहां उन्होंने लेजर रखी है। ये मैं बहुत ही जूम करके आपको बता रहा हूँ, लेजर इतनी बड़ी नहीं होती, बहुत ही जूम करके मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने लेजर लाइट रखी है, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने स्क्रीन रखी है, यहाँ पे उनकी स्क्रीन है, ठीक है। अब जरा देखिए इसको, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जरा इस तरह से समझा जा सकता है कि देखिए जरा कहना वो क्या चाहते थे कि अगर हम उसकी पोजीशन के बारे में पता लगाने जाए, यानी डेल्टा एक्स जो होगा वो उसका कम होता जाएगा, बहुत कम होता जाएगा। जितना हम उसकी पोजीशन के बारे में उसका पता लगाने जाएंगे ना, उसकी डेल्टा एक्स में अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी, यानी उसके अंदर हम स्पेसिफिक होते जाएंगे कि हाँ वो यहाँ पे पोजीशन उसकी रख रही होगी। लेकिन जितना ही हम पोजीशन के करीब होते जाएंगे, उसका डेल्टा पी जो है उसका मोमेंटम का, मोमेंटम में अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी, यानी फिर हम मोमेंटम के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे, या हम ये नहीं कह पाएंगे कि उसका मोमेंटम जो है वो ये इतना रहने वाला है, वो काफी वेरिएट करने लगेगा, ठीक है। हम उसके मोमेंटम में अनसर्टिनिटी काफी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर हम मोमेंटम के बारे में अगर हम पता लगाने गए, ठीक है,
तो उसका जो है उसका पोजीशन के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे। पोजीशन यहां से लेके यहां तक कहीं भी उसकी हो सकती है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाएगी। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो ऑलवेज एच बाई फोर पाई से ज्यादा ही या इक्वल्स टू उससे ज्यादा आने वाला है। बस यही हेजनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताना चाह रहा था। उसको हम एक एक्सपेरिमेंट से जो है हम इसको समझ सकते हैं, इसको हम बता सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से इसको हम हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। जरा देखिए, जरा गौर से इसको समझिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात और, अगर इस एक्सपेरिमेंट को आप बहुत ही, अरे यार मैंने क्या कर दिया, चलिए फिर से देख लेते हैं। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को हम बहुत ही अच्छे से समझना चाहे तो यूट्यूब में अब कुछ वीडियोस है इसकी, वो पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूट्यूब में जो वीडियो होगा वो आप जरा देख लीजिएगा। अगर आप चाहोगे तो मैंने इसमें ना डिस्क्रिप्शन में उसका यूट्यूब वीडियो का ना लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। आप उस वीडियो को जाके आप देख लीजिएगा, उसका वो प्रैक्टिकल पूरा उसमें करा रहे हैं, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। लेकिन वो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन मैं यहीं पे आपको कर देता हूँ, ठीक है। फिर से जरा देख लेते हैं, यहाँ पे एक जो है एक लेजर लाइट पहले यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि इतनी ये स्लिट है, ठीक है। अब जरा देखिए, और यहां पे इसका स्क्रीन रखा हुआ है, ठीक है, इतने डिस्टेंस पर। यहां से रेडिएशंस जो है, लाइट जो है वो पास हो रही है। अब जो फोटॉन्स जो है यहां से पास हो रहे हैं, स्लिट का जो है ना ये डिस्टेंस इतना रखा गया है। अब आपको ये नहीं लग रहा, देखिए जरा ध्यान सुनिएगा, इसका जो यहां से लेजर लाइट जो पास होगी, यहां से जो लाइट जो पास हो रही है, फोटॉन्स जो पास हो रहे हैं, वो सीधा यहां जाके गिरेंगे इतने रीजन में, ठीक है। यानी उसके मोमेंटम के बारे में हमें पता लग रहा है, ठीक है। इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, ये मोमेंटम जो है उसका एम वी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, उसका मोमेंटम के बारे में हमें पता लग रहा है, उसका वेलोसिटी देखिए सीधा यहाँ पे उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी मोमेंटम के बारे में पता लग रहा है, लेकिन आप जरा देखिए इतने सारे फोटॉन्स पास हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। यानी ये जो डिस्टेंस है ना स्लिट के बीच का, ये उसका हम डेल्टा एक्स मान सकते हैं, ये उसका डेल्टा पी मान सकते हैं। ये काफी डिक्रीज हो गया है, क्योंकि हमें उसका मोमेंटम पता चल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, इसका मोमेंटम हमें पता लग रहा है। यानी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, हम स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, अनसर्टेनिटी उसकी कम हो रही है, मोमेंटम के पास जा रहे हैं। लेकिन जरा यहाँ पे तो नजर डालिए कि डेल्टा एक्स है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। हम उसके पोजीशन के बारे में नहीं पता लगा सकते कि पर्टिकुलर फोटोन के बारे में, हमें तो मोमेंटम जानना है ना, हमें जानना मोमेंटम क्या है, पर्टिकुलर एक पार्टिकल के लिए हमें मोमेंटम जानना है। तो मोमेंटम तो हमें मिल रहा है, ठीक है, सीधा यहाँ पे, ठीक है, इसी जगह मिल रहा है मोमेंटम हमें पता लग रहा है। लेकिन इसी फोटोन इस डिस्टेंस के बीच में पर्टिकुलर फोटोन का जो होगा वो पोजीशन कहाँ होगा ये हम नहीं पता लगा सकते। वो फोटोन यहाँ भी रहा होगा, वो यहाँ भी रहा होगा, वो यहाँ भी रहा होगा, यहाँ भी रहा होगा, कहीं भी रहा होगा, ठीक है। इतना डिस्टेंस है स्लिट के बीच में, वो हम उसका पोजीशन पता नहीं लगा सकते। इतने के बीच में कितने सारे फोटॉन्स जा रहे हैं, ठीक है, इतनी इतना सारा डिस्टेंस है, वो कहाँ रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। मोमेंटम हमें मिल रहा है कि भाई उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे वो टकरा रहा है, मोमेंटम के करीब हम होते जा रहे हैं, लेकिन हम उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो कहीं भी हो सकता है, पोजीशन में उसकी काफी अनसर्टेनिटी हमें मिल रही है। अब जरा देखिए,
हम इसकी स्लीड को हम कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये स्लीड को हम कम करते जाए, इसका डिस्टेंस हम जरा यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, इसका डिस्टेंस जो है ना वो हम थोड़ा यहाँ से कम करते चलते हैं, ठीक है। इसको ना हम डिस्टेंस को यहाँ से हम कम कर देते हैं, अब जरा देखिएगा। मान लीजिए हम इसका जो डिस्टेंस है वो कम करते गए कम करते गए, असल में होगा क्या पता है, जैसे उसका डिस्टेंस कम करते जाएंगे ना हमें इसकी अनसर्टेनिटी में डिक्रीमेंट होता मिला जाएगा, यानी अनसर्टेनिटी पोजीशन की कम होती जा रही है, हमें पता लगता जा रहा है कि बस इतने से डिस्टेंस के अंदर ही उसकी कहीं ना कहीं पोजीशन नहीं होगी, मोमेंटम भी जो है वो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि जैसे ही हम इसका स्लिट और कम कर देंगे और कम कर दिया, जैसे ही हम कम करते जाएंगे ना पोजीशन के और करीब होते जा रहे हैं, पोजीशन के और भी करीब होते जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से जो रेडिएशंस निकलेंगी अब उसके मोमेंटम में, अब उसके मोमेंटम में हमें वेरिएशन होता हुआ दिखेगा, जैसे ही इसका जो है वो करीब होता जाएगा, ये जो लाइट यहाँ पे गिरने वाली होगी, यहाँ पे जो कोलाइड करने वाली होगी वो स्प्रेड होती चली जाएगी, कुछ ऐसा हमें मिलता जाएगा, ये जो स्पॉट कम होना चाहिए उसकी जगह पे वो स्प्रेड होता हमें मिलता जा रहा है, यानी अब यहाँ पे जो है वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ता गया, यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो होता है वो बढ़ता चला जाता है, आप नहीं बता सकते कि वो यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है, क्योंकि ये पूरे पाथ में वो जो है वो पूरा डिस्पर्स हो रहा है, वो पूरा फैल रहा है, ठीक है, उसका लाइट जो है वो पूरे पाथ में दिखाई दे रही है, यानी मोमेंटम जो है उसके बारे में हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, हम जितना ही उसके पोजीशन के करीब होते गए मोमेंटम उतने ही दूर होते गए, यानी बस यही हाइजेनबर्ग कहना चाह रहे थे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही था कि अगर डेल्टा, अगर पोजीशन पता लगाओगे मोमेंटम पता नहीं चलेगा, मोमेंटम पता लगाओगे पोजीशन पता नहीं चलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई ऑलवेज, दोनों की अनसर्टेनिटी जो है इसकी अगर कम हुई तो इसकी बढ़ जाएगी, इसकी कम हुई तो इसकी बढ़ जाएगी, और यानी दोनों का मल्टीप्लाई ऑलवेज h/4π से ज्यादा ही आने वाला है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो ये था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो होने वाला है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, इतना हम रखते हैं, इतना बस आज के दिन हजम कर लो, हमारे पास वक्त जो है वो काफी वक्त है हमारे पास, और हम आराम से इसी मंथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो आराम से पढ़ते हैं, ठीक है, बस ऐसे ही बने रहे मेरे साथ, और बड़ी ही दिलचस्प बात है अगले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, हमने जो बताया था बोहर का, अब ये वाला टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, बोहर की जो बात हमने जो की थी कि बोहर ने, उसको पता नहीं था कि उसने वेव नेचर के भी रिजल्ट उसके रिजल्ट में डाल दिए हैं, वो तो सिर्फ पार्टिकल नेचर को कंसिडर करके उसने सारे फॉर्मूला दिए थे, ठीक है, उसका पोजीशन दिया था, यानी वो उसका ऑर्बिट दिया था, ठीक है, लेकिन अब पता लगने वाला है, ठीक है, ये जो हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो बताया, यानी कि वो वेव नेचर एग्जिस्ट करता है उसमें, उसको वो सपोर्ट कर रहे थे, ड्यूअल नेचर भी बताया कि ड्यूअल नेचर रहता है, उसका भी फॉर्मूला हमें पता लग गया, ठीक है, तो अब जो हमें जरूरत थी वो उसका वेव नेचर को डिस्क्राइब करने वाला पूरा मॉडल की जरूरत थी, अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आएगा और वो पूरा उसका वेव नेचर को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, उसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो ऐसे ही बने रहे मेरे साथ और पढ़ते रहे एटम स्ट्रक्चर, बहुत ही अंदरूनी जो क्वेश्चंस डाउट्स जो है वो काफी जगह पे क्लियर जो नहीं करते, अब यहाँ पे ओनली ऑन फिजिकल अकेडमी इसी यूट्यूब चैनल पे आप कर सकते हैं मेरे साथ, बने रहे मेरे साथ और मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, टाटा, सी यू एंड गुड नाइट, टेक केयर।